अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू माय स्टूडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू स्ट्रेच योर ओन कैनवस। सो सबसे पहले हमें तो चाहिए होगा इसके लिए वुडन फ्रेम बार। ये आपको किसी भी कारपेंटर शॉप से बन जाएगा या आप इसको खुद भी बना सकते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अच्छी से अच्छी वुड क्वालिटी यूज़ करें। और दूसरी चीज़ होगी वो हो जाएगा कॉटन कैनवस। अगर आप इस कैनवस को देखें तो इसकी क्वालिटी बहुत फाइन है, क्योंकि मैंने ये बाहर से इम्पोर्ट करवाया है। और ये कैनवस आप मुझसे भी डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप किसी भी आर्ट शॉप से परचेज कर सकते हैं। ये प्राइम भी होता है और अनप्राइम भी होता है। दूसरी चीज़ हमें स्टेपल गन चाहिए होगी। ये स्टेपल गन होती है, ये हार्डवेयर की शॉप से आपको मिल जाएगा। और ये स्ट्रेच करने के लिए ये कपड़े को बहुत टाइट कर देता है ताकि हमारा कैनवस अच्छी तरह होल्ड करे, लूज़ ना हो। और तीसरी चीज़ होगी स्टेपल्स। सो अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और साथ ही साथ आपको गाइड भी कर देता हूँ। सो जो मैं कैनवस यूज़ कर रहा हूँ वो ऑलरेडी प्राइम है और उसको मैं इस तरह से रख दूंगा और इसके ऊपर अपना वुडन फ्रेम बार यूज करके रखूंगा। पहले हम एक साइड से स्टेबल करेंगे इसको। स्टेबल आप इसको उसकी साइड से करेंगे। साइड से थोड़ा सा इससे उसको स्ट्रेच कर लेंगे। अब ये दोनों साइड पे हमने एक एक पिन लगा दिए। अब हम इस वाली साइड पे एक एक पिन लगा देंगे। पहले हम चारों साइड पे एक एक पिन लगाएंगे। अब हम इस साइड पे आ जाएंगे। इस साइड पे थोड़ा सा इसको और टाइट कर दें। हम दोबारा से इस साइड पे आएंगे और साथ ही साथ इसको टाइट करेंगे। अब पिन लगाएंगे। बार बार अपने कैनवस को हम रोटेट करते रहेंगे और पिन लगाते जाएंगे। पहले हम ये दोनों वाली साइड करेंगे, फिर हम ये दोनों साइड करेंगे। अब ये वाली साइड करेंगे। अब हम ये वाली साइड कर लेंगे। इसकी पिन हम यहां तक भी लेके आएंगे। पहले हम कॉर्नर बना लेंगे, फिर इसको यहां से स्ट्रेच करेंगे कैनवस को और मजबूती से, फिर हम कॉर्नर बनाएंगे। इसमें काफी ज्यादा आपकी ह्यूमन पावर लगती है, मैन पावर, ह्यूमन पावर और काफी मेहनत का काम है, लेकिन जो कॉस्ट की सेव हो जाती है वो काफी ज्यादा होती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में इस कैनवस के प्राइस अराउंड 1000 आएंगे तो आपको ये 500 में बन जाएगा। और अगर आप काफी ह्यूज साइज के कैनवस पे काम कर रहे हैं ना तो उसमें आपको ज्यादा बचत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 12,000 का आपको मार्केट में मिल रहा है तो आपको वो 6,000 मिल रहा है।
काफी बड़ा मार्जिन है तो सेफ हो जाता है। अब मैंने ये सारी साइड्स कर ली हैं और कैनवस भी काफ़ी मजबूत है, सो अब हम कॉर्नर बनाएंगे। सो अब मैं आपको कैनवस के कॉर्नर का तरीका बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके कॉर्नर है यूँ, ये आपका पहला यूँ फोल्ड आएगा, फिर सेकंड फोल्ड यहाँ पे आएगा आपका, ये यूँ आया और ये आपका फाइनल फोल्ड। इसको थोड़ा सा और अंदर करेंगे हम, और ये फोल्ड आया यूँ, उसको थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा आपको अच्छी तरह, और फिर यही है। ये देखें आपका बेहतरीन कॉर्नर बन गया, अगर आप देखें यहाँ से बेहतरीन कॉर्नर, ये देखिए ये यूं गया पहला फोल्ड, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये आपका फोल्ड बेहतरीन सा प्रोफेशनल लुक आएगी आपकी काफ़ी इसमें। और आपको एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि दोनों साइड की जो ये लुक आती है वो दोनों साइड की सेम हो, ऐसा ना हो कि एक साइड ऊपर जा रही हो और एक साइड नीचे, दोनों साइड सेम होगी तो तभी आपकी प्रोफेशनल कैनवस की लुक आएगी, वरना ये बहुत ही वियर्ड लगेगा। अब मैंने इसको कर दिया, अब मैं यहाँ से इसको दोबारा से थोड़ा स्ट्रेच करूँगा, गन में जो हम स्टेपल यूज़ करते हैं वो इस तरह से चलती है, ये पीछे से निकल जाता है यूं, और ये आपकी स्टेपल की फिर यूं पर भी आपने इसको बंद कर दिया। ये साइड हमारी हो गई, अब दूसरी साइड पे भी हमें इसी तरह रखना है। अगर आप ये साइड देखें, ये साइड यहाँ से है ना, हमें अब दूसरी साइड पे भी यूं ही लगता है इसको। दोनों साइड सेम हो गए। हमारा कैनवस ऑलमोस्ट रेडी हो गया, अब इसकी हम ये वाली साइड्स कट कर लेंगे।
इन साइड्स को कट करने के लिए जो एक्सिस कैनवस है उसके लिए मैं ये कटर यूज कर रहा हूँ। तो कटर को आप इस तरह से यूज करेंगे। जब हम एक्सेस कैनवस को रिमूव कर देते हैं ना तो काफी अच्छी लुक आ जाती है। बट सो फाइनली हमारा कैनवस रेडी है, हमारी फोटो आगे फिनिश देखिए। और इसे डीप एच कैनवस बोलते हैं क्योंकि इसकी ये साइड की एच काफ़ी चौड़ी होती है, मतलब 2 इंच तक होगी, 2 या 1.5 इंच की मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। और आप देखिए किस तरह से हमने एक बेहतरीन कैनवस रेडी कर दिया। जो मार्केट में जो कैनवस है उनसे भी अच्छी इसकी क्वालिटी होती है क्योंकि आप इसमें अपना वुड यूज़ करते हैं और वो काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है और कैनवस का क्लोथ भी काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है। और इसको और ज़्यादा अच्छा करना है तो आप इस पर एक बार जैसो करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।